Don't shoot! Don't shoot! सत्य तू ही है ना? विक्टर ने तेरे लिए वॉच भेजा है और साथ में कहा है तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा। बच्ची कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वेंकट किसी से फालतू भंकस नहीं करता, समझा ना? बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। फोन है सर। बोलो विक्टर। कौन है वहां पे? सत्यदेव और 10-12 पुलिस वाले भी हैं। और कांथा? कांथा नहीं दिख रहा है। लड़की है कि नहीं? लड़की? वो तो जीप में बैठी है। फोन दे उसे, फोन दे उसे। सर सर विक्टर, रिस्क ले रहा है सत्या, अभी तक रिस्क ले रहा है तू। एक घड़ी पहनाकर अपनी बेटी को ढूंढ लेगा ये सोचा था ना? और ये बात मैं जानता था, है ना? कितना एक जैसा सोचते हैं हम सत्या। ए! मेरी बेटी कहाँ है? सुहासिनी किधर है? मुझे ईशा को देखना है। पहले मुझे मेरी बेटी को देखने दे, उसे मेरे हवाले कर और फिर इसे ले जा। hey, नेगोशिएशन के लिए जगह नहीं है। तू अपनी सिचुएशन को भूल के मुझसे बात कर रहा है। तू सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। वो लड़की वहाँ खड़े आदमियों के हवाले कर और निकल जा वहाँ से। मेरी बेटी को भिजवा दूंगा मैं। उसके आगे उसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे तू चाहिए, वो अलग बात है। तुझे बाद में देख लूंगा। जो कह रहा हूँ वो कर सत्या। यहाँ मेरे 15 आदमी है और तेरे सिर्फ 3। शूट करके सबको यही फेंक दूंगा। तेरी बेटी की उंगलियां काट के मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा। ए विक्टर, सुहासिनी नहीं मिली तो मेरा सिर्फ नुकसान होगा। मेरा क्लाइंट मर गया तो मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन तेरे लिए ऐसा नहीं, या कहीं तेरे लिए भी ऐसा तो नहीं है? मुझे एक छोटा सा डाउट है, ये तेरी अपनी बेटी नहीं है ना? है ना सत्या? इसकी माँ से तेरी शादी तो हुई नहीं मेरी वजह से। अब पता नहीं किसने पैदा किया इसे। अब इसके लिए तो आएगा या नहीं मुझे डाउट है। अब तक डाउट नहीं था लेकिन अब हो रहा है। तेरी हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ए, तू पुलिस वाला ना होकर पाप होता तो ऐसा करता? कब से तुझे समझा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ करता क्यों नहीं? क्यों तंग कर रहा है मुझे? तुझे दोस्त बनाया, तूने जिंदगी बर्बाद कर दी गद्दार साला। वो लड़की ज्यादा प्यारी है। अपनी बेटी प्यारी नहीं है तुझे, बता। ए, मैं आ रहा हूँ वहाँ। कौन कौन है वहाँ पे? मुझे वहाँ कोई नहीं चाहिए, सबको भेज वहाँ से। मैं आ रहा हूँ, देखते हैं कौन बचता आज। ए, तुझे टपका कर ले जाऊंगा उसे। आओ क्या? चुप कर साले, धमकी देना बंद कर और सामने आ जा। मेरी बेटी के पीछे कारों की तरह छिप रहा है। आजा सत्या। विक्टर, क्या कर रहा है बे? मैंने तेरे 2 आदमियों को गोलियों से भून डाला। तेरी बकवास सुनकर मुझे हेकड़ी दिखा रहे थे, समझा क्या? चला जा सत्या। तेरी बेटी की उंगलियां काट कर पार्सल करनी पड़ेंगी मुझे। अगले 20 सेकंड में तुझे फोटो भेजता हूँ। फोन है ना तेरे पास? व्हाट्सएप है ना? उसमें भेजता हूँ फोटो। जी, अब मैं क्या करूं? बोल। ये बात, अब खेल खत्म। जैसा कह रहा हूं वैसा कर, तेरी बेटी छोड़ दूंगा। कांथा कहां है? तेरे साथ है ना? उसको फोन दे। अरुण। सर। कांथा। यस सर। क्या ये लोग मर गए क्या? नहीं, जिंदा है, सिर्फ पैर पर लगी है। और क्या बच गया? तुम कहो तो लड़की लेकर निकलते हैं। हाँ जल्दी आ। विक्टर, और एक बात। हाँ बोलना। हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया, अब इससे निपट लूँ क्या? इसका गेम बजा डालता हूँ इधर ही, बस एक गोली। इसकी औकात क्या है? पुलिस वाला तो है नहीं, ये खत्म तो खेल। बहुत फंकस करता है ये। यथू, वो फूक मारेगा मर जाएगा तू। गाड़ी में बैठ चुपचाप। ठीक है, इससे तो मैं बाद में देखूंगा। मेरी नाक तोड़ दी इसने। लड़की को लेके आ रहा हूँ मैं। अबे लड़की को ले और इधर आ। ए, ए, गाड़ी में डाल लड़की को। मैं इंतजार करूंगी।
अपने क्लाइंट के साइज के लिए यही बढ़िया है। उस लड़की निलंजना को छूना ही नहीं चाहिए था, वही गलती हो गई, इसीलिए सत्य इस झमेले में है तेरी वजह से। सर कालिंदी बस स्टॉप के आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा सर। लेफ्ट घूमते ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगी, यही वो जगह है, कई मंजिला है सर वो। उस लड़की को वही ले गए, वो लोग किसी पेशेंट के इंतजार में, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू पकिया। सर मेरे बच्चे की जिंदगी आप ही की वजह से बच गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो 10,000 रुपए जो मैंने उसके बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दिए थे वो आज मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के काम आएंगे। हम पहुंच गए, कहाँ आना है बताओ। हाँ आ जा, यहाँ सब बिछा के रखा है, सब तैयार है, तुम्हारे अंदर आते ही लड़की को खोल देंगे। ऐसे गाड़ी को रिवर्स लेके गेट के अंदर ले लो, खोल बे। एम्बुलेंस रोको। कौन हो तुम? तो तू है मेन विलन, एक पत्थर दिल जिसे उधार की धड़कने चाहिए। नहीं, उधार की गोली दूं? नहीं। What's wrong with her? I have given her anesthesia. I can remove the mask. Shut up! I'm doing it. I'm really sorry, sir. Jao! I didn't do anything. Madad bulao. Koi bachchi hai yahan? Meri beti? Meri beti kahan hai? No child here, sir. No child here. Tu hi khara? सब गड़बड़ हो गया, सत्या पुलिस लेकर घुस गया, बख्या ने धोखा दे दिया। अरे देवा अब क्या होगा विक्टर? लग तो रहा है कि बच गया मगर पता नहीं, घबराना मत, तुम ही रुक, तू कहाँ है ये किसी को नहीं पता। नहीं, नहीं मैं अकेली नहीं रहूंगी विक्टर, तुम जल्दी आओ, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ, अभी आओ। मुझे ईशा चाहिए विक्टर, कहाँ है ईशा? तो उसकी यारी बोल बोल कर धोखा दे गया ना।
इतने साल से जो तू भाग रहा है उसका एक ही मतलब है, ये तेरा वक्त है। रुकना मत, रुकना मत। तेरे बुलाने पर भी मुझे नहीं आना चाहिए था। क्या करता, तू ही तो मेरी ताकत थी। रोती तू थी और सड़ता मैं था। तुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करता था। लीसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहां से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। बच्ची को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, जितना मैं रोई हूं ना सत्या, तू भी उतना ही रोएगा। काश तेरे लिए तुझसे दूर रह पाता तो आज तू जिंदा होती। मेरी गलती, ऐसी गलती जो मैं नहीं सुधार सकता। मुझे माफ कर देना लीसा, मुझे माफ कर देना। कुछ ही पुलिस वाले हैं जो अपने काम को सनक की तरह करते हैं, काम करते हैं। तेरे जैसे सत्या, बाकी सब तो हुक्म सुनने वाले किसी काम के नहीं है। 8 दिन हो गए लीसा को मरे, नींदें हराम हो गई हैं 8 दिन में। मेरी नहीं सत्या, तेरी। मैं कहां से कैसे आधमकूंगा उसका डर दिखता है। अपनी बेटी को एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ा तूने। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, 3 दिन से उसके साथ स्कूल जा रहा है। मैंने तुझे वापस बच्चों की तरह स्कूल जाने पर मजबूर कर दिया सत्या। ओके, गुड नाइट सुहासिनी। वहाँ है गुड नाइट। यूएस में तो सुबह हो गया लिटिल गर्ल। ओके, चलो मैं जल्दी आऊंगी। बाय बाय। सब ठीक है ना? यहाँ विक्टर की तलाश जोरों पर है, अब तुम जल्दी आ पाओगी। ये बस एक सेफ्टी प्रिकॉशन है और कुछ नहीं। अभी भी खतरा है, होशियार रहना। ठीक है, गुड नाइट। सुहासिनी को कहीं तो भेज दिया है तूने। एयरपोर्ट पे देखा था तुम दोनों को, दो लोगों को एक साथ संभाल नहीं पाएगा यही सोच के भेज दिया ना उसे। अब अपनी बेटी को संभाल रहा है, पहरा दे रहा है। मुझे तू नहीं चाहिए सत्या, तेरी बेटी चाहिए। मेरा भी वक्त आएगा, वक्त बदला लेने का। और जब वो वक्त आएगा मैं सबको मार डालूंगा। आनंद, सेल्वम, सेल्वम, मालूम है कि तू यही है क्योंकि मेरे कॉन्स्टेबल्स गायब हैं। चल सामने आ विक्टर। सिर्फ एक चाकू? तुझे मार के अंदर तेरी बेटी सो रही है ना, उसे साथ ले जाने आया हूँ। सामने के रास्ते से जाऊंगा, उसे सड़कों पे आवारा घुमाऊंगा। जिंदगी भर उसे साथ रखूंगा, खूब ख्याल रखूंगा उसका। बस कर विक्टर, सपने मत देख, आ जा। मैं किससे शादी करने वाली हूँ पता है? वो तुझे ढूंढता हुआ आएगा और तुझे मारेगा, ऐसा कहा था उसने। इतनी खूबसूरत थी ना वो, उसके मरते ही दूसरी लड़की ढूंढ ली तूने अपने लिए? गलत बात है। हिमानिका को तूने कैसे मारा था बस ये बता दे, फिर मैं उसके सपने को सच्चाई में बदल दूंगा, वादा करता हूं मैं। Thank you.
मैं तो सोचता था कि उस औरत को मारना नहीं चाहिए था, लीजा को, पर अब लगता है उसे मारना सही था। चल अब खेल खत्म करते हैं, या तो तेरी सांसें चलेंगी या मेरी। वार कर। कल मेरी मौत का कोई बदला लेगा तो वो अच्छा कहलाएगा।